खबर हापुड़ से है, जहां मेरठ से सभा करके गाजियाबाद लौट रहे थाना पिलखुआ इलाके में छजरसी टोल टैक्स पर AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी गुरुवार शाम एक सभा करके वापस गाजियाबाद लौट रहे थे, तभी पिलखुआ छजरसी टोल टैक्स पर ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई, जिससे वे बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही SP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को वेपन समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। SP ने जांच के लिए 5 टीम गठित की है। भाई कैमरा ऊपर करिए, ऊपर वाला। यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।